हाई एवरी वन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंजेस है, आपने जिसको कहते हैं जंग लगना। ठीक है, कई बार आपने लोहे के ऊपर देखा हो कि रेड और ब्राउन कलर की कोटिंग है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है, सरफेस ऑफ आयरन पे, उसको हम बोलते हैं रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, रेड और ब्राउन कोटिंग दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग रस्टिंग क्या होता है कि जो आयरन मेटल है वो कंबाइन विद होता है O2 एंड वाटर एंड फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन कंबाइन होता है ऑक्सीजन से और वाटर से और फॉर्म क्या करता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। और ये क्या है, ये है रस्ट जो होता है रेड और ब्राउन कलर का। ठीक है, जो रस्ट के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही इंसेशियल है, दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, रस्ट तो ऐसे बहुत जगह पे पाया जाता है, रस्ट हम हर जगह पे देख सकते हैं, पर कोस्टल एरिया में ज़्यादा रस्टिंग होती। क्यों होती, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मोर ह्यूमिडिटी होती है, मोर ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, मोर मॉइस्चर होता है एयर में, और इसलिए वहाँ पे मोर रस्टिंग होती है। ठीक है, रस्टिंग अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल। ठीक है, जो ठीक है, रस्टिंग अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम, सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। इसलिए हमें क्या प्रिवेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, सबसे फर्स्ट है अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट, ग्रीस और ऑयल। ठीक है, हम लोग पेंट, ग्रीस, ऑयल लगा देंगे आयरन सब्सटेंस के ऊपर, आयरन मटेरियल के ऊपर, ताकि क्या कि उसका जो कॉन्टैक्ट है वाटर और ऑक्सीजन से कट हो सके। सेकेंड, डिपॉजिट लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। ठीक है, जिंक, जब हम आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग लगा देते हैं उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं। और ये मोस्टली कहाँ यूज़ होती है, जो हमारे घर पे पाइप्स होती है कैरी वाटर करने के लिए, पाइप्स एट होम टू कैरी वाटर। ठीक है, थर्ड इज डिपॉजिट लेयर ऑफ क्रोमियम लेयर, फोर्थ इज अलॉयिंग। मतलब हम क्या करेंगे कि बहुत सारे मटेरियल, दो या तीन मटेरियल को मिक्स कर देंगे, ताकि कि आयरन जल्दी से करोड ना हो। जैसे स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, वो डज नॉट रस्ट ईजिली। ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, हमारे जो टैप हो गया, बाथरूम के टैप हो गया, किचन के टैप में यूज़ होता है, ताकि वो रस्ट जल्दी से ना हो। ओके, हम देखें केमिकल, जब रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। जब हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है तो उसके साथ हमें कुछ और भी चीज़ें मिलती है। जैसे क्या होता है कि हीट और लाइट है ना, वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है और गिवन ऑफ भी हो सकती है। एग्जांपल, हम कुछ भी, जब बर्निंग ऑफ, जब हमने मैग्नीशियम रिबन किया था तब हमको क्या मिला था, हीट एंड लाइट मिला। जब भी हम कोई चीज़ बर्न करते हैं, जैसे वुड करते हैं, लाइट, जैसे हम वुड करते हैं, पेपर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हीट एंड लाइट मिलता है। उसी तरह से चेंज इन कलर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रेड और ब्राउन कलर जो हमने देखा है वो किसकी वजह, जैसे रेड और ब्राउन कलर फॉर्म होता है आयरन में। ठीक है, जैसे सपोज जब आप कोई एप्पल कट करके रख देते, कोई भी फ्रूट कट करके रख देते और थोड़े देर के बाद देखते हो, तो वो क्या हो जाता है, चेंज इन कलर। क्यों, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस हुए होते हैं। उसी तरह से क्या होता है, जब हम खाना एक दो दिन के लिए रख देते हैं, ठीक, खाना एक दो दिन के लिए रख देते हैं तो उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है। ठीक है, जब हम खाना एक दो दिन के लिए रख देते हैं तो वो खाना ख़राब हो जाता है और उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। उसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ गैस में, जैसे हमने देखा था, जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं तो गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, तो ठीक है, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि उनके वजह से ही न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इस सोर्स, मेडिसिन, फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल न्यू मटेरियल्स, प्लास्टिक सोप, डिटर्जेंट, सॉल्ट्स। ठीक है, जितना भी ये प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल दिस आर प्रोड्यूस बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन।